इसमें हरियाणा के अंदर बेरोजगारी की दर 37% 8% है टोटल, और जो युवाओं की उसके अंदर परसेंटेज है वो मैक्सिमम है 20 से 24 साल के। कितने लोग हैं जिसके अंदर 20 से 24 साल की? बहुत 19 लाख 22 हज़ार बहुत भारी संख्या होती है। तो इसी को लेकर आम आदमी पार्टी आज ये प्रोग्राम रख रही है, हर जिला स्तर के ऊपर हो रहा है, कल ज्ञापन होगा, परसों को धरना प्रदर्शन होंगे लोकसभा स्तर पर। नहीं, हालात तो बदतर है, देखो बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है तो एक रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरियों का बुरा हाल है। तो आम आदमी को अपना जीवन चलाने के लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया नहीं हो रही है, और सरकार उसके अंदर टोटल फेल हो चुकी है। सर, सरकार दावा कर रही है कि हर क्षेत्र में समान विकास किया। नहीं, सरकार तो बहुत कुछ दावे करी, और सरकार के पास है भी क्या? 9 साल में अब किया तो कुछ है नहीं, अब तो सिर्फ दावे हैं, दावे करते रहो आप। लेकिन जनता अगर इतना है तो जनता त्रस्त क्यों है? जनता आज ऐसे मुख्य ऊपर बैठी है, विस्फोट के ऊपर बैठी है बिल्कुल। आज चुनाव हो जाए तो इनको इनके औकात पता चल जाएगी, जो इनका पहला हाल हुआ करता था वहीं आ जाएंगे।